हेलो गाइस, सो इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर टू बोली, ए स्टोरी रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे होमवर्क के लिए। सो टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो राइट आंसर है उसे टिक करना है। एट व्हाट इज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो भोली कितने साल की थी, भोली की उम्र क्या थी जब उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। सो राइट आंसर इज 2 ईयर्स, भोली 2 साल की थी जब उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। ए 2 ईयर, ये हमने स्टोरी के बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट में किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बट वेन शी वॉज 2 ईयर ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो जब वो जन्म से तो द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जो बच्चा था या भोली थी वो काफ़ी फेयर थी और प्रिटी थी। बट वेन शी वॉज 2 ईयर ओल्ड, पर जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो उनके सारे आंसर चैप्टर में ही हैं। तो पहले हम जो चैप्टर है उसका एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसका नाम सुलेखा था पर बचपन से ही सब उसे भोली कहकर बुलाते थे। द सिंपल्टन, एक सीधी लड़की, सिंपल्टन मीन्स होता है सीधी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर थी। वैन शी वॉज 10 मंथ ओल्ड, जब वो 10 साल की 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोर्ट, वो चारपाई से नीचे गिर गई। ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैज डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, अपने सर के बल वो चारपाई से नीचे गिर गई और शायद इसी से उसके सर में कुछ चोट लग गई थी, जिससे कुछ पार्ट उसके सर का डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नाउन एज भोली, और यही कारण था कि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई थी या उसका दिमाग थोड़ा कम रह गया था। एंड केम टू बी नाउन एज भोली, और उसे सब भोली कहते थे। तो भोली थी वो काफ़ी सीधी रही थी क्योंकि तो उसके सर में चोट लग गई थी, तो उसका माइंड काफ़ी शार्प नहीं था। द सिंपल्टन, एक सीधी लड़की। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जन्म से जो बच्चा था वो काफ़ी फेयर था और प्रिटी था, काफ़ी सुंदर थी, मतलब गोरी और सुंदर। बट वैन शी वॉज 2 ईयर ओल्ड, पर जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आँखें बचीं, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर, पर जो सारी बॉडी थी उसकी वो परमानेंटली डिसफिगर हो गई, यानी बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, काले उस पर दाग आ गए पॉक मार्क्स जो स्मॉल पॉक्स से हुए हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जो छोटी सुलेखा थी वो नहीं बोल पाई जब तक कि वो 5 साल की नहीं हुई। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब एंड में उसने बोलना शुरू किया या उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वो खलाती थी। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक डर, और उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो काफ़ी कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 लड़के और 4 लड़कियाँ। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो सबसे छोटी थी वो थी भोली। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक संपन्न किसान का परिवार था या संपन्न किसान का घर था। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और यहाँ खाने के लिए काफ़ी कुछ था, खाने और पीने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के अलावा जो दूसरे बच्चे थे वो सभी हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज, जो लड़के थे उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था और बाद में कॉलेज में शहर में। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जो बड़ी लड़की थी राधा, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी बेटी मंगला थी उसकी भी शादी फिक्स हो चुकी थी। वैन दैट वॉज डन, और जब ये सब हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल ने तीसरी बेटी के बारे में सोचेगा जब ये सब हो जाएगा, जब सेकेंड डॉटर है उसकी शादी हो जाएगी, तो रामलाल तीसरी लड़की की शादी के बारे में सोचेगा, जिसका नाम है चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, वो सभी सुंदर लड़कियां थी और काफ़ी हेल्थी भी थी, और ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी उनके लिए दूल्हा ढूंढना। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, पर रामलाल थे
वो भोले के बारे में काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी वरी करते थे। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, उसमें ना तो सुंदरता थी और ना ही वो बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 ईयर ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। मंगला इनकी सबसे बड़ी बहन है जो। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला था लड़कियों का उनके गांव में। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी या उद्घाटन समारोह था उसे उसके लिए तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। तो तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि क्योंकि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, एक नंबरदार हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तुम इस गांव में गवर्नमेंट के एक एजेंट हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, तो तुम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गाँव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। दैट नाइट वन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, तो उस रात को रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया। शी क्राइड आर यू क्रेजी, तो वो चिल्लाई कि क्या तुम तो पागल हो। इफ़ गर्ल गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, पर रामलाल में तहसीलदार को डिसोबे करने का या उनकी आज्ञा को ना मानने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और एंड में जो रामलाल की वाइफ है उसने कहा, आई विल टेल यू वाट टू डू, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो, एज इट इज़ देयर लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, इसके काफ़ी कम चांस हैं शादी होने के। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि इसका जो चेहरा है वो अगली है और इसमें बुद्धि की कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें इसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, जो अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वाट ए स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस टाइप का होता है या स्कूल क्या है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसे घर से निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। न न नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वो नहीं के साथ चिल्लाई और डर से उसने अपना हाथ अपने पिता की जो ग्रिप थी उससे छुड़ा लिया या अपनी पकड़ से छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है यू फूल, मूर्ख लड़की। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और तब उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स, इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ टुडे आज, और एल्स व्हाट विल टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और एल्स वरना जो स्कूल के टीचर्स हैं और जो दूसरी लड़कियां हैं स्कूल की वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उनकी उसकी बड़ी बहनें थी उनके कपड़े ही उसे पास ऑन होते रहे थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, किसी ने भी उसके कपड़ों को धोने की या उसके कपड़ों को रिपेयर करने की कभी चिंता नहीं की थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, पर आज वो लकी थी कि उसे एक क्लीन ड्रेस मिली। शी हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, वो छोटी हो चुकी थी काफ़ी वॉशिंग्स के बाद या काफ़ी बार धुलने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को पूरा नहीं आती थी, वो ड्रेस चंपा की थी और उसे फिट नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथेड एंड ऑयल्ड वॉज रब्ड इन टू द ड्राई एंड मैटेड एयर, उसे नहलाया भी गया और उसके जो उलझे हुए बाल थे उनमें ऑयल भी रब किया गया, सूखे और जो उलझे हुए बाल थे उसके। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बिगिन बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, और तब उसे यकीन हुआ कि उसे उसके घर से कुछ ज़्यादा अच्छी जगह देके जाया जा रहा है। वैन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, जो बच्चे थे वो क्लासरूम में ऑलरेडी बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी जो बेटी थी उसे हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया। लेफ्ट अलोन अकेली, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लिडन आइज, तो जब अकेला छोड़ दिया तो जो बेचारी लड़की थी तो उसने देखा, फियर लिडन आइज मीन्स जो डर से भरी हुई आंखें होती हैं उन आंखों के साथ में देखा।
देर वर सेवरल रूम्स, वहाँ का कई रूम थे, एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। तो जो प्रत्येक रूम था उसके अंदर लड़कियाँ आलथी पालथी मारकर बैठी हुई थी, स्क्वेटेड होता है बैठ, वो पालथी मारकर बैठ जाना ग्राउंड पे, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। वो बुक्स पढ़ रही थी और स्लेट्स पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेड मिस्ट्रेस थी, उसने भोली से कहा कि क्लास के कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वाट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक। भोली नहीं जानती कि स्कूल कैसा होता है एंड वाट हैपन देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर। पर वो काफ़ी खुश थी कि उसकी हुई उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ थी वो जो वो वहाँ पे थी। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसने उम्मीद की कि इनमें से कोई एक लड़की मेरी दोस्त बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। जो लेडी टीचर थी क्लास में वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। पर भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल। वो जो दीवारों पे पिक्चर्स बनी हुई थी उन पिक्चर्स को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। जो कलर्स थे उन पिक्चर्स के उससे वो काफ़ी फैसिनेटेड हो गई। द हॉर्स वॉज ब्राउन ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। जो घोड़ा था वो उतना ही ब्राउन था जितना कि तहसीलदार साहब का घोड़ा था जिस पर बैठकर वो विलेज को विजिट करने आते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नो नेबर। और जो बकरी थी वो उतनी ही काली थी जितनी उनके पड़ोसी की बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और जो तोता था वो उतना ही हरा था जितना कि उसने आम के बाग में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय थी वो भी उनकी गाय लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड। और अचानक से भोली ने नोटिस किया कि जो टीचर थी वो उसके पास में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसकी ओर देख कर स्माइल कर रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची। बब शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। उसने अपना नाम बताने की ट्राई किया पर वो हकलाने लगी और इससे ज़्यादा नहीं बता पाई। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। और तब वो रोने लगी और जो आंसू थे वो बहने लगे एक फ्लड की तरह उसकी आंखों से नीचे। हेल्पलेस फ्लड मतलब जिसको कोई रोक ना सके, हेल्पलेस हो बिल्कुल ही। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन द कॉर्नर। वो अपना सर नीचे किए बैठी रही जैसे वो बैठी थी अपने कोने में। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी नो वॉज स्टिल लाफिंग एट हर। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उन लड़कियों की ओर देखने का ऊपर। शी नो वर स्टिल लाफिंग एट हर। वो जानती थी कि वो अभी भी उस पर हंस रही थी। वन द स्कूल बेल रैंग। जब स्कूल की बेल रैंग हुई छुट्टी की, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम। सभी लड़कियां तेजी से भागी क्लासरूम से बाहर। बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर। पर भोली में हिम्मत नहीं हुई अपना कोना छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोअर्ड। उसका सर था वो अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग और वो सुबक रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। जो उनकी उसकी टीचर है उसने उसे आवाज़ लगाई भोली, और टीचर की जो वॉइस थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और सूथिंग थी यानी कम्फी थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने पूरी लाइफ में उसे इस तरीके से किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट। इसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। ये कोई कमांड नहीं थी, ये एक फ्रेंडली सजेशन था। बोली गेट अप। बोली उठो। नाउ टेल मी योर नेम। मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ऑफ हर ओल बॉडी। उसके पूरे जो बॉडी थी उस पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी जो लकड़ाती हुई जबान है वो उसे दोबारा बेइज्जत करेगी, क्या उसकी अपमान करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। पर इस दयालु महिला के लिए जो टीचर थी वो काफ़ी काइंड थी। शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। उसने एक ट्राई करने की डिसाइड किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसकी आवाज़ है वो कितनी कंफर्टेबल है या सूथिंग है। शी वुड नॉट लाफ एट हर। वो उस पर नहीं हंसेगी। बब शी बिगन टू स्टेमर। पर जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकलाने लगी। शी बिगन टू स्टेमर। वो उसने हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। टीचर ने उसे एनकरेज किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम। आओ अब अपना पूरा नाम बताओ। बाबा भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट।
एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। सो एंड में बोली ने अपना पूरा नाम बता दिया और ऐसा फील किया कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड। बहुत अच्छा, टीचर ने उसे थपथपाया प्यार से और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, और तुम जो दूसरे लोग हैं उन्हीं की तरह बोल पाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। बोली ने ऊपर देखा जैसे कि आप पूछ रही हो कि क्या सच में। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये काफ़ी इजी होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें बस रोज़ स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी। बोली नॉडेड, बोली ने सर लाया। नो से इट लाओ, नहीं तेजी से तेज से बोलो। यस यस एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली खुद भी आश्चर्यचकित रह गई कि वो अपना ये जो वर्ड था यस ये वो बिना हकलाए हुए बोल पाई। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैंने तुम्हें से नहीं कहा था अब ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो बुक थी उसमें काफ़ी पिक्चर्स थी और जो पिक्चर्स थी वो कलरफुल थी। डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड काओ जस्ट लाइक लक्ष्मी एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। उसमें डॉग की कैट की गोट की हॉर्स की पैरट की टाइगर की और काओ की पिक्चर्स थी जस्ट लाइक लक्ष्मी, और जो गाय थी वो उसकी गाय लक्ष्मी की तरह थी, और हर पिक्चर के साथ में एक वर्ड लिखा हुआ था बिग ब्लैक लेटर में या काले शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में। इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम ये बुक पढ़ने में कैपेबल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी एक बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन दाई विलेज, और थोड़े ही समय में इस गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी तुम। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइट स्टैमर, जो लोग हैं वो तुम्हें इज्जत से सुनेंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइट स्टैमर, और तुम बिल्कुल भी अकलाए बिना बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और जो कल है सुबह जल्दी आओ। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, अब भोली ने ऐसा फील किया कि अचानक से जो गांव का मंदिर है उसकी सारी घंटियां बजने लग गई हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और जो स्कूल के सामने ट्री है पेड़ है, एड ब्लॉसम इनटू ए बिग रेड फ्लावर्स, उस पर बड़े बड़े लाल रंग के फूल आ गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई एक नई उम्मीद के साथ में, एक नए जीवन के लिए, एक नए जीवन की नई उम्मीद के लिए। दस द ईयर पास, और इस प्रकार से काफ़ी साल बीत गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, जो विलेज था वो एक छोटा शहर बन गया। ए लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया। देर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, अब एक सिनेमा भी था वहाँ पे टीन शेड के नीचे, एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, वहाँ पे एक कॉटन गिनिंग मिल भी थी। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, जो मेल ट्रेन थी वो उनके रेलवे स्टेशन पर स्टॉप कर रही थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामला सेड टू हिज वाइफ, एक रात को डिनर के वक्त, डिनर के बाद रामला सेड टू हिज, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट द विशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं विशंबर का प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लूँ। यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ग्रूम, भोली काफ़ी लकी होगी उसे इतना पैसे वाला जो दूल्हा मिलेगा। ए बिग शॉप ए हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, एक बड़ी दुकान है उसके पास, खुद का घर है, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में भी काफ़ी पैसे हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी डाउरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, तो रामलाल ने कहा कि वो सब तो ठीक है बट वो यंग नहीं है, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो मेरी ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प, और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वॉज क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी जो पहले वो शादी हुई थी उसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हैं। सो वाट डज इट मैटर, तो ये क्या मैटर करता है। शी हर इज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने कहा, 45 और 50, 45 हो या 50, इट्स नो ग्रेटर एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए ये कोई ज़्यादा एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम लकी हैं कि वो दूसरे गाँव से हैं।
एंड डज नॉट नो अबाउट द पॉक मार्क्स, और वो जो पॉक मार्क्स हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं, एंड लैक ऑफ सेंस, और जो उसकी लैक ऑफ सेंस है यानी उसकी जो सीधी है वो उसके सीधेपन के बारे में नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो पूरी सारी ज़िंदगी कुंवारा ही रहेगी या सारी ज़िंदगी उसकी शादी नहीं होगी। येस बट आई वंडर वाट भोली विल से, हाँ पर मैं वंडर कर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। वाट विल डैट विटलेस वन से, वो विटलेस क्या कहेगी या वो कम दिमाग की लड़की क्या कहेगी। शी इज़ लाइक ए डम काओ, वो एक मूर्ख गाय की तरह है या एक भोली गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर रामला, रामलाल ने मुझे बताया कि हो सकता है कि तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, जो कोर्ट यार्ड था या जो ग्राउंड था उसके दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोर्ट, भोली जाग रही थी अपनी चारपाई पे, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो उसके पेरेंट्स कन्वर्सेशन कर रहे थे या बोल रहे थे धीरे धीरे आवाज़ में, उसे वो सुन रही थी। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ था वो एक काफ़ी संपन्न दुकानदार था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो शादी के लिए काफ़ी दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर टून फ्रॉम ए इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और जो बारात थी उसमें आगे आगे बैंड वाले चल रहे थे एक हिंदी फिल्म का काफ़ी फेमस गाना बजाते हुए। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम उनके साथ था यानी दूल्हा उनके साथ था, वो एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वाज ओवर जॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल इतना जो ग्रैंड जेस्चर था या ग्रैंड डिस्प्ले था, काफ़ी शानदार जो नज़ारा था उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर डॉटर्स डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है या उसकी जो चौथी बेटी है उसकी शादी इतनी ग्रैंड होगी, इतनी बड़ी लेवल पे होगी। मोलीज एल्डर सिस्टर्स वो हैड कम फॉर द ओकेजन वाज इनवियस फॉर हर लक, तो भोले की जो बड़ी बहनें थी जो इस ओकेजन के लिए आई थी वो उससे जेलस हो गई, उसकी जो लक था उसकी जो किस्मत थी उससे जेलस हुई। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब शुभ मुहूर्त आया, द प्रिंस सेड ब्रिंग द ब्राइड, तो पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली लाल रंग की जो दुल्हन का जोड़ा था उसमें लिपटी हुई थी, वॉज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द ग्रेट फायर, उसे वहाँ पे जो पवित्र अग्नि है जो मंडप है वहाँ लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ द हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ का एक दोस्त है उसने उसे प्रॉम्प्टेड किया या उसे उकसाया गार्लैंड द ब्राइड की दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने जो पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला थी उसे उठाया। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक महिला ने ब्राइड के फेस से घूंघट पीछे खींच दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, विशंबर ने एक हल्की सी झलक देखी। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और जो माला थी वो उसके हाथों में ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने अपने चेहरे पर वापस घूंघट डाल लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा है, सैड विशंबर टू हिज फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने जो फ्रेंड था, सैड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने दोस्त से कहा जो कि उसके साथ साथ खड़ा था। शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो पॉक मार्क्स हैं। सो वाट यू आर नॉट यंग इधर, तो क्या हुआ तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, हाँ हो सकता है पर अगर मैं इससे शादी करनी होगी तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट